स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आर्थिक और मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए नींबू के टोटके बेहद कारगर साबित होते हैं। वैदिक ज्योतिष में नींबू का संबंध शुक्र और चंद्रमा से माना गया है। नींबू के खट्टे होने का संबंध शुक्र से है और जलीय होने का संबंध चंद्रमा से माना गया है। ऐसे में नींबू के इन उपायों से ना तो सिर्फ परेशानियों को दूर करे बल्कि कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत करे। तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि नींबू की इन आसान टोटकों से धन, पारिवारिक, करियर आदि समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं नींबू के इन आसान टोटकों के बारे में। कई बार मेहनत करने के बाद भी वो सफलता नहीं मिलती जिसके हम हकदार होते हैं। इसके लिए तंत्र शास्त्र में नींबू का यह टोटका आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप हनुमान मंदिर में एक नींबू और चार लौंग लेकर जाए। मंदिर में हनुमान जी के सामने नींबू में चार लौंग लगा दे। इसके बाद सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें और लौंग और नींबू को अपने साथ ले जाए और कार्य प्रारंभ कर दे। काम पूरा हो जाने के बाद लौंग और नींबू को बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपके अटके कार्य में गति आएगी और सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अगर व्यापार सही से नहीं चल रहा है तो नींबू का यह छोटा सा टोटका आपके लिए काफी कारगर रहेगा। इसके लिए आप शनिवार के दिन एक नींबू ले और उसको कार्यस्थल, दुकान आदि काम करने वाले जगहों की चारों दीवारों पर स्पर्श कराए। इसके बाद चौराहे पर नींबू के चार टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दे। ऐसा लगातार 7 शनिवार करे। ऐसा करने से कारोबार में अच्छी वृद्धि होगी और आर्थिक संपन्नता के योग बने। कई बार ऐसा होता है कि बना बनाया कार्य अटक जाता है और भाग्य साथ नहीं देता। इसके लिए आप एक नींबू ले और उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार करके 2 टुकड़े कर दे। लेफ्ट साइड के टुकड़े को राइट साइड की तरफ फेंके और राइट साइड के टुकड़े को लेफ्ट साइड की तरफ फेंके। ऐसा करने से भाग्य हमेशा साथ देगा और आपके आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोलने के लिए नींबू का ये आसान टोटका आपके लिए लाभकारी रहेगा। कई बार किसी न किसी वजह से प्रगति और समृद्धि के द्वार बंद हो जाते हैं। ऐसे में एक नींबू ले और उसे चौराहे पे ले जाकर सिर से लेकर पैर तक 21 बार वार कर उसको 4 भागों में काट कर हर दिशा में फेंक दे। इसके बाद एक पानीदार नारियल भी अपने ऊपर से 21 बार वार ले और किसी मंदिर में ले जाकर पूरा नारियल जला दे। ऐसा करने से हर बाधा दूर होगी और समृद्धि आएगी। अगर आपको कोई काम अटका हुआ है या बेहतर रोजगार नहीं मिल रहा है तो इसके लिए एक दाग रहित बड़ा नींबू ले और उसको रात के 12 बजे से पहले चौराहे पर जाकर उसके 4 हिस्से करके हर दिशा में दूर दूर फेंक दे। जितना दूर हो सके उतना दूर फेंके। साथ ही रविवार के दिन नींबू में 4 लौंग गाड़ दे और हनुमान जी के मंदिर जाकर 108 बार ओम श्री हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप करे और फिर उसे घर ले जाए। ऐसा करने से आपका काम अवश्य बन जाएगा और बेहतर रोजगार के योग बनना शुरू हो जाएगी। अगर कोई बच्चा या व्यक्ति बुरी नजर से पीड़ित है तो उसके सिर से लेकर पैर तक 7 बार नींबू को वार ले और फिर उसके 4 टुकड़े करके किसी सुनसान स्थान पर तिराहे पर जाकर फेंक दे। ध्यान रहे कि ऐसा करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखे। ऐसा करने से बुरी नजर उतर जाएगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषीय धर्म के उपाय और सलाह को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।